बच्चों की तरह मुझे एक्सक्यूज मत दिया करो। अगर 5 मजदूर नहीं आए थे तो दूसरे 5 मजदूरों से वो टाइम क्यों नहीं करवाया? आई एम सॉरी मैडम। तुम लोग ये मत भूलो कि ये हिंदुस्तान की नंबर 1 फैक्ट्री है और मुझे ये फैक्ट्री दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारी है, अपने माँ बाप से भी ज्यादा। और इसके पोजीशन डाउन करने वाले को मैं हरगिज माफ नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। तुम कौन हो? हवा का एक झोंका जो उधर से आया और इधर चला जाएगा। तुम रहते कहाँ हो? असीनों के दिल में। करते क्या हो? मोहब्बत और खूबसूरत चीज से। तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो। सच कहता हूं, पता नहीं कभी तुमने अपने आप को गौर से देखा है या नहीं, मगर मेरी नजरों से देखो तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। ना मैं जी सकती हूँ ना मैं मर सकती हूँ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मगर अब उसे बर्दाश्त करना होगा। सच्चाई का वो कड़वा जहर पीना होगा उसे, जो आज तक तुम्हारे इन आंसुओं में बहता रहा है। नहीं राम, भगवान के लिए मत करना, ये सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसे ये सदमा बर्दाश्त करना होगा क्योंकि अब मुझसे तुम्हारा ये हाल बर्दाश्त नहीं होता। तेरे घर का ख्याल रखना शारदा चाचा, हम लोग बाहर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रीगल सिनेमा में। एयर कंडीशन है ना? बचपन से लेकर आज तक मैं पराए लोगों के घर में पलती रही, अपने असली माता पिता के प्यार को तरसती रही। माँ का तो पता नहीं वो कौन थी कैसे थी, इस बात को तो पता चला, मगर वो भी मुझे अपनाने से इनकार कर रहा है। क्या मैं सारी जिंदगी दूसरों के घर में पड़ी रहूंगी, अपनों के होते हुए गैरों के टुकड़े खाती रहूंगी? क्या मुझे अपने बाप का प्यार कभी नसीब नहीं होगा? देखो लक्ष्मी, तुम चाहो तो मेरे घर आकर रह सकती हो, जो कुछ भी चाहो तुम्हें मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। मगर क्यों? इसलिए जिस दिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया उस दिन ये मुकदमा खत्म हो जाएगा और मुझे अपना बेटा कभी नहीं मिलेगा। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire.